नमस्कार, मैं हूं सुमैया अंसारी और आप देख रहे हैं यूथ कॉर्नर। खबर आ रही है प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ में डबल मर्डर से परिवार में मचा कोहराम। थाना क्षेत्र रानीगंज के ग्राम शेखुपुर में प्रथम पक्ष के दयाशंकर मिश्रा पुत्र स्वर्गीय देवनारायण मिश्रा व द्वितीय पक्ष के चंद्रमणि मिश्रा पुत्र पारसनाथ मिश्रा के बीच जमीनी विवाद चल रहा था, जिसमें दो अधिवक्ता विमल तिवारी व सुरेश चंद्र त्रिपाठी को मध्यस्थता में दोनों पक्षों का गाँव में ही इनके बीच चल रहे जमीनी विवाद का निस्तारण कराया जा रहा था। इसी दौरान दोनों पक्षों में लाठी डंडों से मारपीट हो गई, जिसमें प्रथम पक्ष के दयाशंकर मिश्रा व आनंद मिश्रा तथा द्वितीय पक्ष के चंद्रमणि मिश्रा घायल हो गए। घायलों के परिजनों द्वारा पुलिस को सूचना दिए बिना ही घायलों को इलाज हेतु जिला अस्पताल प्रतापगढ़ लाया गया, जहां प्रथम पक्ष के दयाशंकर मिश्रा व आनंद मिश्रा की मृत्यु हो गई तथा दूसरे पक्ष के चंद्रमणि मिश्रा को बेहतर इलाज हेतु रेफर कर दिया गया है। द्वितीय पक्ष के राजेश मिश्रा पुत्र चंद्रमणि मिश्रा को पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है। थाना रानीगंज के ग्राम शेखुपुर में आज दो पक्षों के बीच में जमीन विवाद को सुलझाने को लेकर दो अधिवक्ताओं की मध्यस्थता में पंचायत हो रही थी, जिसमें उनके बीच में आपस में मारपीट हो गई। इस प्रकरण के बारे में पुलिस को जानकारी ना देते हुए वे घायलों को स्वयं ही जिला अस्पताल लेकर आ गए, जहां पर दो मजरूबों की मृत्यु हो गई। ये सूचना जब पुलिस को मिली तो पुलिस तत्काल अस्पताल पहुंची और वहां पर पाया कि दयाशंकर मिश्रा और आनंद मिश्रा की मृत्यु हो गई, जो कि एक पक्ष के हैं और पिता पुत्र हैं। दूसरे पक्ष के चंद्रमणि मिश्रा और अन्य तीन लोग भी घायल हैं। इस प्रकरण में राजेश कुमार मिश्रा पुत्र चंद्रमणि मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस प्रकरण में सब इंस्पेक्टर राजेश राय और बीट कॉन्स्टेबल्स बुद्धिन प्रजापति और रामा यादव को जमीनी विवाद का पे नज़र ना रखने और उसका निस्तारण ना कराने का दोषी मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए सीओ रानीगंज। ये रिपोर्ट थी हमारे ब्यूरो कार्यालय प्रतापगढ़ से। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें यूथ कॉर्नर के साथ।